शब्दों की ताकत अनमोल होती है। जो शब्द हम बोलते हैं वे न केवल हमारे विचारों का प्रतिबिंब होते हैं बल्कि सामने वाले के मन पर गहरी छाप छोड़ सकते हैं। कभी कभी गुस्से या आवेग में कहे गए शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी वापस नहीं लिया जा सकता। आज की इस साखी में हम एक ऐसे ही किसान की बात करेंगे जिसे अपने बोले गए कड़वे शब्दों का पछतावा तो हुआ लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को गुस्से में आकर काफ़ी भला बुरा कह दिया। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह परेशान होकर एक संत जी के पास पहुंचा और अपनी कही हुई बातों को वापस लेने का उसने उपाय पूछा। संत जी ने किसान से कहा कि तुम शहर के बीचों बीच जाओ और बहुत सारे पंख इकट्ठा करके वहाँ पर रख दो। किसान ने संत के कहे अनुसार किया और फिर संत जी के पास वापस लौट आया। तब संत जी ने कहा कि अब जाओ और उन सारे पंखों को फिर से इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया लेकिन तब तक सारे पंख हवा में उड़कर इधर उधर बिखर चुके थे। वह खाली हाथ संत जी के पास वापस लौटा और कहा कि अब तो पंखों को इकट्ठा करना संत जी नामुमकिन है। संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे कहे गए शब्दों के साथ होता है। तुम उन्हें आसानी से कह तो सकते हो पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। इस साखी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने शब्दों को सोच समझकर बोलना चाहिए। एक बार कड़वे शब्द कहने के बाद चाहे हम उसकी माफ़ी भी मांग लें फिर भी उस व्यक्ति के मन पर चोट के निशान रह ही जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि गुस्से में चुप रहकर खुद को और दूसरों को अनचाहे कष्ट से बचा लिया जाए। आज की यह साखी आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो तो इसे कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आप भी पुण्य के भागीदार बन सके। अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। राधा स्वामी जी।